अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड। मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड लिया है और मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है चीज़। चीज़ मैंने लिया है 60 ग्राम और मैंने यहाँ पे मोज़रेला का चीज़ लिया है। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ियों में लिया है शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने शिमला मिर्च और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है गाजर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है टमाटर, 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है पिज़्ज़ा का सॉस। पिज़्ज़ा का सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पत्ता गोभी और 2 ही टेबल स्पून मैंने लिया है प्याज। प्याज मैंने वाइट वाली लिया है और 2 प्याज मैंने लिया है हरी वाली, 2 ही टेबल स्पून है ये। तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं अपनी सारी सब्जियों को ऐड कर दूंगी, सारी सब्जियों को मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी अपने पसंद की ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे हम इसमें। और इनको इस तरीके से आप मिला लें। और अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब मैं उसमें अपनी सब्जियों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लूँगी। वैसे तो पिज़्ज़ा में सब्जियों को हम कच्चा ही डालते हैं, पर मैं इस तरीके से करना पसंद करती हूँ, इनसे इनका जो टेस्ट है ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें, ये टोटली ऑप्शनल है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक में आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो बस इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमें इन्हें भून लेना है, पकाना नहीं है इन्हें बिल्कुल भी। तो बस अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से तैयार है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा के लिए अपने ब्रेड को ले लिया है और अब मैं उसमें पिज़्ज़ा का सॉस लगाऊंगी। अगर आपको पिज़्ज़े के सॉस की रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी इनकी भी रेसिपी। और सबसे पहले हम अपने पिज़्ज़ा के सॉस को अपने ब्रेड पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो मैंने लगा लिया है तीनों पे और अब मैं इसमें अपनी जो है सब्जियों को डाल दूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट सब्ज़ी बिना रोस्ट किए भी आप डाल सकते हैं, बिना फ्राई किए भी आप सब्जियों को डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्रीफर करती हूँ। तो मैं अपनी सारी सब्जियों को इसमें डाल दूंगी, चारों तरफ लगा दूंगी सब्जियों को। और सब्जियों को लगाने के बाद अब हम डालेंगे ऊपर से हमारी चीज़ को। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी चीज़ को। चारों तरफ से हम डाल देंगे अच्छी तरीके से। तो हमारे जो इनको मैंने कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 1 टीस्पून के करीब बटर को चारों तरफ से लगा दिया है, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। और अब मैं इसमें अपने ब्रेड को डाल दूंगी और हमें इन्हें लो फ्लेम पर ढक करके पकाना है। तो अब मैं इन्हें ढक दूँगी। ध्यान रखें फ्लेम लो ही हो, वरना ब्रेड जल जाएगी। 5 से 6 मिनट हो गया है, अब हम इन्हें खोल करके चेक कर लेंगे। तो बस अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, यानी कि हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है, ये किसी भी ओवन के पिज़्ज़ा से कम नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।